नमस्ते बच्चों, मैं आपके पांचवी कक्षा की हिंदी की अध्यापिका हूँ। मेरा नाम है रानी। और देखो, आप सभी का मेरे इस कक्षा में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज आप देख रहे होंगे कि हमारे जो विश्व में एक ऐसी बीमारी है जिससे कि छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। आप तो जानते होंगे कि वो बीमारी का नाम क्या है। वो एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसका नाम है कोरोना। और इस महामारी से हम इस तरह से जुलस चुके हैं कि उसके कितने भी उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो बीमारी नहीं मिट पा रही है। मगर देखो, हमारे जो विश्व में जो लोग हैं जिनको देश के प्रति प्रेम है या वो देश के प्रति कुछ करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने अपने कर्तव्य को कितने ही ईमानदारी से निभा रहे हैं ताकि हम उस कोरोना से छुटकारा पा सकें। तो क्या किसी के मन में ये विचार आया कि हमारे लिए या हमारे देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है? अगर आपको जिस दिन समझ आ जाएगा कि हम भी हमारे देश के लिए हम कुछ कार्य को कर सकते हैं, तो उस दिन ये देश हर एक परेशानी से छूट जाएगा। तो बच्चों देखो, जिस तरह उन्होंने निस्वार्थ भाव से हमारे विश्व के लिए या हमारे लिए जब इस कोरोना बीमारी से या इस महामारी से लड़ रहे हैं, तो क्या हमारा कार्य नहीं है या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम अपने देश के लिए कुछ कार्य करें? तो आज जो छोटे से बच्चे हैं, ये हमारे आने वाला भविष्य है। आज अगर हम अपने बच्चों को देश के प्रति हमारे कर्तव्य क्या है अगर हम बताएंगे, तो हमारा देश, जैसे जैसे ये बच्चे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा देश भी बढ़ता जाएगा। तो आज मैं बच्चों को ये समझाना चाहती हूँ कि जब बड़े अपने कार्यों को कर सकते हैं, तो आज हम बच्चे अपने देश के प्रति हमारे कार्य क्या है, इस कविता के माध्यम से, जो है उठो धरा के अमर सपूतों, इस कविता के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि हमारे देश के प्रति हमारे कर्तव्य क्या है। तो सर्वप्रथम सुनो, उठो। उठो का मतलब है जागना। जैसे कि हम जब रोज नींद से जाग रहे हैं तो एक नई सृष्टि लेके जगे, एक नई सोच लेके जगे कि जो पुरानी बातें हो ये उसे भूल जाओ और देखो नई बातों को दोहराओ। यहाँ लिखा है धरा। धरा का मतलब है धरती, जिस धरती पर हम रह रहे हैं। और यहाँ है अमर। अमर का मतलब यह है कि जिसका कभी नाश ना हो, जिसे हम अविनाशी भी कहते हैं। और यहाँ है सपूतो। सपूतो का मतलब है एक आदर बच्चा जो अपने माता पिता का आदर करता है और अपने माता पिता का ध्यान रखता है। अगर हम इसका विलोम शब्द लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कपूत, जिसका मतलब है कि जो अपने माता पिता का आदर नहीं करता। ठीक है, तो सुनो, उठो धरा के अमर सपूतों के कवि का नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो बच्चों, पहले तो आप ये देखो कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी की, उसका पेज नंबर 8 खोलिए। और पेज नंबर 8 में आपको ये पंक्तियां दिखाई देगी। मैं आपको एक और एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने इस कविता को आपके लिए दो भागों में विभाजित किया है। एक भाग है जो मैं भी आपको पढ़ाऊंगी और नेक्स्ट भाग है वो आपको मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो अगर जब मैं पढ़ा रही हूँ तो अपने टेक्स्ट बुक खोलिए और जहां मैं पढ़ती हूँ और जो लाइन में पढ़ती हूँ उसको अपने ध्यान से देखिए। तो सर्वप्रथम है उठो धरा के अमर सपूतों। जैसे कि मैंने आपको बता चुका है, उठो का मतलब होता है जागना, धरा का मतलब है धरती, अमर का मतलब है अविनाशी, जो खत्म ना होता हो, जो कभी जिसका नष्ट ना हो, और सपूतों का मतलब है आदर करने वाला बालक। जैसे कि मैं जानती हूँ आप भी अपने माता पिता का आदर करते हो और करते रहो। फिर यहाँ लिखा है पुनः नया निर्माण करो। पुनः का मतलब होता है दोबारा, पुनः का मतलब होता है दोबारा, और नया का मतलब होता है नया, और निर्माण का मतलब होता है बनाना। किसी चीज को बनाने को ही हम कहते हैं निर्माण। तो फिर से सुनो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कवि ये दो पंक्ति में ये कहना चाहते हैं कि बालकों उठो और अपने धरती को फिर से बनाइए, या तो पुनः उनको नया बनाना है। यहाँ लिखा है जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नवा प्राण भरो। जन जन का मतलब होता है लोग, जो कि हम है, और जीवन का मतलब है कि हम जी रहे हैं, लोग इस दुनिया में जब जी रहे हैं, तो इस दुनिया को फिर से नया बना के
कवि कहता है कि बालक तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस दुनिया को नया कैसे बनाओगे। जब जीवन है तो जीवन का विलोम शब्द होता है मरण। जब हम इस धरती पर जब पैदा हुए हैं तो हमारा मरना भी निश्चय ही होगा। यहाँ लिया है नई स्फूर्ति नवा प्राण भरो। स्फूर्ति का मतलब होता है ताजगी। जब हम जिंदगी जी रहे हैं या अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो हमें बहुत ही खूबसूरती से अपने जीवन को क्या करना है, बिताना है। नेक्स्ट, नया प्रांत है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई। इस दो लाइन में, इस दो पंक्ति में कवि सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में हर बातों को नई लाओ। कोई बात आपके जीवन में पुरानी नहीं होनी चाहिए। जब आप अपने मन में ठान लेते हो कि हम किसी चीज को करने के लिए धैर्य है तो हम उस चीज को जरूर कर सकेंगे। यहाँ कवि यही कहना चाहते हैं कि तुम हर एक कार्यों को नई दृष्टि से देखो, नई सोच लाओ, अपने जीवन में ऐसी सोच लाओ कि जिससे तुम निडर होकर अपने कार्यों को कर सको। फिर यहाँ कहा गया है नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नहीं। जब आप अपना जीवन जी रहे हो, जब हम अपने लाइफ को जी रहे हैं या अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो बच्चे, छोटे बच्चे ये होते हैं कि वो अपना जीवन हंसी खेल में बिताते हैं। और कभी यही कहते हैं कि हंसी खेल में बच्चा कुछ ऐसा कर जाता है कि हम कभी सोच नहीं सकते। तो उन्होंने कहा है कि आस, आस का मतलब है एक इच्छा, अपने मन में ऐसी इच्छा जागो कि हम भी अपने देश के प्रति कुछ कर सकते हैं। युग युग के मुरझों में, सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। यहाँ सुमनों का मतलब होता है फूल। हमारे बच्चे भी एक फूल की तरह है। अगर हम बच्चों को डांटेंगे तो बच्चे क्या हो जाते हैं, थोड़े देर में क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं या मुरझा जाते हैं। मगर बच्चों का मन इतना अच्छा होता है, देखो बड़ों से बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। अगर बड़ों को किसी ने एक बात बोल दिया है तो बड़ा भूलता। अगर बच्चों को तुम दो झापड़ भी मारो फिर भी बच्चा हमारे पास आता है। क्यों? क्योंकि वो एक फूल के समान है। बच्चे का मन बहुत कोमल होता है। बच्चे के मन में भेदभाव नहीं होता, वो हर एक को अपना समझता है। इसलिए अगर तुम बच्चों को डांटते हो तो देखो 2 मिनट के बाद भूल के फिर से, अरे ये तो मेरे ही मम्मा है या मेरे ही पप्पा है करके फिर से आएंगे। मगर बड़ों में क्या ये गुण होते हैं? नहीं होते। तो कवि कहता है कि तुम अपने जीवन में बच्चों की तरह, फूलों की तरह बनो। और जो इस जीवन में, जो युग युग, जो ये संसार है, ये संसार में जो भी निराशा की ओर है उसको आप लोग आशा की तरफ लाइए। तो कवि पूरे का पूरे इस पंक्तियों में यही कहना चाह रहा है कि तुम पूरी धरती को फिर से नई सृष्टि बनाइए। और बच्चा अपने जीवन में कैसा सुख शांति से जी रहा है, इस संसार को भी बच्चे की तरफ से या बच्चा जिस तरह से जीता है उस तरह से कवि यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। मैं जानती हूँ कि आपको ये कविता बहुत अच्छे से आई होगी या आप समझ गए होंगे। तो मैं इन्हीं पंक्तियों के आधार पर आपको एक वर्कशीट दूंगी। आप उसको इन पंक्तियों को देखकर ही ध्यान से पढ़कर उस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट वीडियो में आपके जो नेक्स्ट पंक्तियां है इसकी जो बची हुई वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और आप अपनी वर्कशीट इस पंक्तियों को देखकर ही कंप्लीट कर लीजिए। धन्यवाद।